येस ब्यांक को नहीं एक बड़ खबर। येस ब्यांक संकट टाळिबा को प्रयास जारी रही। येस ब्यांक को उद्धार करने को आगे आसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। येस ब्यांक 49% अंशधन किणी पारे एसबीआई। एने आज प्रेस मीट कर सूचना देखते एसबीआई सीएम डी रजनीश कुमार। सूचना अनुजाई येस ब्यांक एसबीआई विनियोग करे 2450 कोटी टंका। आरबीआई ड्राफ्ट स्कीम अनुसार पदक्षेप नहीं पारे एसबीआई। एने सोमवार पर्यंत रही डेडलाइन। ड्राफ्ट नहीं एसबीआई पक्षरु आरबीआई सह आलोचना करा जिबो। सेठारु अनुमति मिलिले एही डील लॉक होई पारे। सेहिपरि अन्य जेउ माने 5% रु अधिक अंशधन नेबाकु चाहिबे सेमानंकु आरबीआई गाइडलाइन पालन करिबाकु पड़िबो। जे बड़ खबर आसीछि येस बैंक नै एवं जेभली भाबरे जमाकारी माने गत दुई दिन धरी जदि कहिबा टेंशन रे थिले चिंतारे थिले किभली समानकर टंका फेरी पाइबे वर्तमान ताकु नै कहि पारिबे किछिटा आश्वस्ति मिली पारे। कारण येस बैंक रो संकट टाळिबाकु वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे आसीछि एवं येस बैंक रो 49% अंशधन किणी पारे एसबीआई। इट इज डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस ऑन द ड्राफ्ट स्कीम। देयर इज अ टाइम गिवन टिल मंडे फॉर us to go back to Reserve Bank of India with our comments. Second is, we had informed through the stock exchange that SBI board has given in principle approval to explore the possibility of picking up a stake up to 49% in Yes Bank. And there are so from this perspective, as per the draft scheme, as per the board approval, now once we have completed our due diligence, we will go back to Reserve Bank of India with the work. अधिक आलोचना करने पर आम सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव साहू अच्छा फोन लाइन में। श्रीजुक्त साहू प्रथम आपको स्वागत। श्रीजुक्त साहू गत काली जो भाई टेंशन थी आज कहीपर टी आश्वस्ति हो पाए कारण जो बड़ प्रयास एसबीआई तरफ 49% अंशधन किणवाक जाऊँ एसबीआई। निश्चय जो प्रेस मीट कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो चेयरमैन एथरो क्लियरली जना पड़ी एवं काली मध्य जहाँ बॉडी लैंग्वेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो गवर्नर दोतले जे सेमाने खूब जल्दी किछो टे सॉल्यूशन बाहर करचंती। आज तार प्रतिफलन हेछि जे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तांकर प्रोसेस रे अछंती 49% अंशधन किनिया पई। थे जदि एसबीआई 49% किणुची ताल मु भावी समस्त डिपोजिटर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हम एवं परवर्त समय भी हो पारे जे सेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो गोटे अंग हो पार। तेणु आजिका दिन में निश्चय एक बड़ अस्वस्तिकर जिनस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर एवं फाइनेंस मिनिस्टर निश्चय आम समस्त साधुवाद दवा जे से खूब जल्दी एभली एक डिसीजन नहीं जो थे लक्ष लक्ष डिपोजिटर एवं जो मैंने निवेश कर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पार्टी। आज्ञा श्रीजुक्त साहू जदि कह वर्तमान जो 49% जदि अंशधन किणव ताकि आम आधार करुचे वर्तमान 2450 कोटी टंका विनियोग करिपारे एसबीआई एवं जो भाई भाव में येस बैंक उपर ऋण रही जदि यही 2450 कोटी टंका विनियोग करते परिमाण रे लाभ हेबो एवं केते परिमाण रे घाटा रु मुकुली पारिबो येस बैंक। देखंतु एटा गोटे मीडियम टर्म प्रोग्राम बट इमीडिएट इंपैक्ट एवं आउटकम होची जे सेमाने डिपोजिटर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिवे एवं सेति पे जो अंशधन किणवे प्राय 2 टंका हिसाब से 2400 कोटी पाखापाखी इनवेस्ट करिवे। ता छड़ा जेहेतु येस बैंक रो कैपिटल शॉर्टेज थिला आमर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म अनुसार जी रिक्वायरमेंट से पाखे नाला जो से लगातार चेस्टा करते कि भाव में इन्वेस्टर आने किए गोटे किसी लॉन्ग टर्म इक्विटी दबो जो से स्टेट बैंक को मध्य आहरी प्राय 10,000 कोटी इनफ्यूज करने को पड़ो येस बैंक को एवं तापर स्टेट येस बैंक तार नॉर्मल ऑपरेशन करने सक्षम हम एवं बैंक रो जो मॉडल जो थे से डिपोजिट भी आसुव एडवांस भी दौर मार्जिन रखिपे जोटा कि
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ହୁଏତ ଟିକେ ଘାଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ ଡିପୋଜିଟର ମାନଙ୍କର ବେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 260,000 crore ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟର ବେସ୍ ଅଛି, ରିଟେଲ ଡିପୋଜିଟର ପ୍ରାୟ 60,000 crore ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ଡିପୋଜିଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ରାଜୀବ ସାହୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ବିଆଇ ସେୟାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି କହିବା ଜମାକାରୀମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଜାରି ରହିବ।